हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का जो हमारा विषय है सामाजिक अध्ययन, इसी के दोस्तों में आज दोस्तों हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक दोस्तों, मुगल साम्राज्य में बाबर के बारे में चलिए दोस्तों जान लेते हैं। बाबर का दोस्तों जो राजकाल था 1526 लेके 1530 के बीच में था, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1483 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था दोस्तों, फरगना घाटी में हुआ था। और दोस्तों इनकी जो मृत्यु थी 26 दिसंबर 1530, कहाँ हुआ दोस्तों, वो आगरा में हुआ था। और यह कहाँ दफनाए गए थे तो दोस्तों यह प्रथम बार आगरा में दफनाए गए थे, फिर उसके बाद ये काबुल में दफनाए गए। इनका दोस्तों जो आखिरी इच्छा था कि इनका जो शव है काबुल में दफनाया जाए, तो इसीलिए दोस्तों प्रथम बार ये आगरा में ही दफनाए गए थे, फिर इनके बेटे हुमायूं ने इन्हें काबुल में दफनाया। और दोस्तों इनका जो पूर्वाधिकारी कोई नहीं था, और दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद इनका जो उत्तराधिकारी बना इनका ये जो पुत्र हुमायूं था। चलिए दोस्तों इनके बारे में और जान लेते हैं। इसमें दोस्तों जो प्रश्न दिया है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर था, इसके परिप्रेक्ष्य में बाबर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। चलिए दोस्तों इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र एवं तैमूर का वंशज था। तो दोस्तों जो बाबर था वो मध्य एशिया की छोटी सी रियासत फरगना के शासक का पुत्र था और तैमूर का राज वंश था। ठीक है दोस्तों, आगे और देख लेते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक उमर शेख मिर्जा बना, और उसी समय उसकी उम्र 11 वर्ष के लगभग थी। दोस्तों जब ये शासक बना तो उस समय जो बाबर की उम्र थी वह लगभग 11 वर्ष की थी, और दोस्तों जो बाबर था बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को जीतना चाहता था, इसी उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया। ठीक दोस्तों, वह अपने जो पूर्वज तैमूर का जो राज्य समरकंद था उसको जीतना चाहता था, इसी के उद्देश्य से उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया तथा वहां से भारत की ओर आकर्षित हुआ। ठीक है, बाबर ने भारत पर आक्रमण के समय, जो बाबर जब भारत में आक्रमण करने का समय था उस समय दिल्ली सल्तनत पतन की ओर थी, जो दिल्ली सल्तनत थी वो पतन की ओर थी, तथा इसमें से कोई राज्य ऐसा नहीं था जो देश की रक्षा के लिए इन सबको एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व कर सकता हो। पूरे देश में स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया था, अतः राजनीति दशा ठीक नहीं थी। ठीक है दोस्तों, इसमें और दोस्तों देख लेते हैं कि बाबर के चरित्र की विशेषताएँ लिखी हैं। तो दोस्तों जो बाबर के चरित्र की विशेषताएँ उसके बारे में जान लेते हैं। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, जो बाबर था उसको कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता था। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति भी रुचि रखता था। ठीक है दोस्तों, जो बाबर था वह साहित्य में भी उनका रुचि था, उसे तुर्की एवं फारसी भाषा एवं साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर को दोस्तों तुर्की भाषा और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। बाबर जो था दोस्तों वह उच्च कोटि का एक साहित्य था या साहित्यकार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी दोस्तों, उसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जिसका अनुवाद उन्होंने फारसी में, और उसका जो नाम था वह बाबर नामा के नाम से जानते थे। बाबर को बगीचे का बहुत ही शौक था, इसीलिए दोस्तों बाबर ने आगरा तथा लाहौर के आसपास कुछ बगीचे भी लगवाए थे। दोस्तों इनके बारे में और जान लेते हैं। जो दोस्तों पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था उसी बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो दिया है, बाबर का 1526 ईस्वी में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से सामना हुआ। बाबर के पास अच्छी बंदूकें और बारूदे तोपे थी जो भारत के शासकों के पास नहीं थी। बाबर के पास प्रशिक्षित सेना व कुशल घुड़सवार थे। तो दोस्तों जब पानीपत का जो युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था उस समय दोस्तों जो बाबर के पास बहुत ही अच्छी बंदूकें बारूदे और तोपे थी, इसलिए दोस्तों वह जो कि भारत के सैनिक के पास उतनी अच्छी नहीं थी,
और दोस्तों बाबर के पास जो जो घुड़सवार थे बहुत ही कुशल थे और अच्छे थे, जिन्हें अनेक युद्धों का अनुभव था। इससे पहले बहुत सारे युद्ध हुए थे, उनको उस युद्ध का अनुभव था। उसने अपनी सेना को कुशलता से संचालन किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक है दोस्तों, जो युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर की विजय हुई। तथा दिल्ली और आगरा तक सारा प्रदेश उसके अधीन हो गया। और इस लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा पर उसका राज्य स्थापित। इसी में दोस्तों एक और प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया है दोस्तों कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, इसके क्या परिणाम हुए। तो दोस्तों जान लेते हैं, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वह 14 जनवरी 1961 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। इसमें दोस्तों जो मराठों लोग की हार हो गई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। इसमें दोस्तों 20,000 लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसमें दोस्तों मराठे की ओर से 45,000 और 60,000 सैनिक थे। इसमें मराठों का प्रभुत्व कम था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों जो खानवा का युद्ध है यो बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में हुआ था। राणा सांगा का दोस्तों जो पूरा नाम है वह संग्राम सिंह था। ठीक है, बाबर ने फतेहपुर सीकरी आगरा से 30 मील की दूरी पर खानवा नामक स्थान पर राणा सांगा को युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध में भी दोस्तों बाबर की विजयी हुई थी। अगले क्वेश्चन दोस्तों बात कर लेते हैं, बाबर की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो दोस्तों जो बाबर एक उच्च कोटि का साहित्यकार था, उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। दोस्तों आपका हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट को यह वीडियो प्राप्त हो सके।